नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आज के इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूं एक फाइन फ्रेग्रेंस की डेवलपमेंट, जहां पे मॉलिक्यूलर वेट की जो थ्योरी है जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा और भी जो अलग अलग फैक्टर्स है जिनको देखा जाता है मॉलिक्यूल्स की मात्रा या फिर उनकी जो क्वांटिटी है इसको तय करने के लिए, वो सारे फैक्टर्स इस वीडियो पे आपको डिटेल में मिलेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए दोस्तों इस वीडियो को। तो दोस्तों यहां पे जो फॉर्मुलेशन को लेके हम बात करने वाले हैं, ये मेरा अपना फॉर्मुलेशन है और इसका नाम है फ्रेग्रेंस फॉर्मुलेशन 122। अर्थात इतना दिनों तक मैंने जितने सारे परफ्यूम्स को डिज़ाइन किया है उनमें से ये 122 नंबर की फॉर्मुलेशन है। दैट इज़ वाई इट्स नोन एज फ्रेग्रेंस फॉर्मुलेशन 122। तो इस फॉर्मुलेशन में जो टाइप आपको मिलता है वो है एक फ्रेश टाइप की परफ्यूम। इसकी टॉप नोट पे आपको एक फ्रेश सिट्रस की एक वाइब मिलेगा, उसके साथ एक हल्का सा एक स्पाइसी एकॉर्ड है। फिर मिडिल नोट पे आता है एक स्वीट क्वाइट सेटल्ड हल्का सा स्पाइसी एक टोन जो काफ़ी देर तक आपके साथ चलेगा। उसके बाद आएगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉजी लेदरी थोड़ा सा बल्समिक टाइप का एक ड्राई डाउन जो आप स्किन नोट या फिर बेस नोट कह सकते हैं। तो इस फॉर्मुलेशन को हम किस तरह से सजाते हैं, इसकी जो ट्रायंगल होता है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो आप यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों गौर से देखिए इस फ्रेग्रेंस ट्रायंगल को, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। टॉप नोट पे हम रख रहे हैं फ्रेश स्पाइसी एक एकॉर्ड, मिडिल नोट पे आएगा एक फ्लोरल स्वीट एकॉर्ड और बेस नोट में आएगा एक मॉजी बल्समिक सा एकॉर्ड। तो यहाँ पे टोटल जो फ्रेग्रेंस कंसेंट्रेट बनेगा उसकी 40% मटेरियल हम टॉप नोट की रख रहे हैं, 30% ऑफ द एंटायर कंसेंट्रेट इज अबाउट मिडिल नोट एंड द रेस्ट 30% इज द बेस नोट मटेरियल। तो इन नोट्स के बारे में, ये जो नोट्स है फ्रेश स्पाइसी फ्लोरल स्वीट और मॉजी बल्समिक, डिटेल में हमने नेक्स्ट पेज में और एक ट्रायंगल बनाया है उसको दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस टॉप नोट की जो चीज़ें हैं उनको हमने डिफाइन किया है, लेमन फ्रेश स्पाइसी। तो टॉप नोट पे हमें जो एक फ्रेश सिट्रस की वाइब मिलता है वो लेमन से आती है और स्पाइसी एकॉर्ड में हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मेन है जिंजर रूट ऑयल, उसके साथ कुमरिन की एक बैलेंस है। तो ये जो चार चीज़ें हैं, जिंजर रूट ऑयल, सिट्राल, कुमरिन, लिनालूल, इन चार चीज़ों को मिला के बनता है इसकी टॉप नोट। फिर आता है मिडिल नोट, जहाँ पे हम एक क्लीन फ्लोरल स्वीट हल्का सा एक स्पाइसी फ्रूटी न्यूएंसेस रख रहे हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल, अल्फा एनॉन और यूजिनॉल को। फिर आता है हमारा बेस नोट, यहाँ पे हम एक बल्समिक एनिस अर्थात सौंफ की जो खुशबू है उसके साथ एक मॉजी लेदरी इफ़ेक्ट को डालने वाले हैं, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन तीन चीज़ों को, बेंजाइल बेंजोएट, फिर फर्निसॉल और ओक मॉस। मेरे पास रेजिनॉइड है जिसकी एक डाइल्यूटेड ब्लेंड को हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये जो चीज़ें हैं, जो एरोमा केमिकल्स और एसेंशियल ऑयल्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और इनकी मॉलिक्यूलर वेट को भी हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, टॉप नोट में इस्तेमाल होने वाला पहला चीज़ है जिंजर रूट एसेंशियल ऑयल। जिंजर रूट एसेंशियल ऑयल की जो ओडो स्ट्रेंथ है ये है मीडियम, डाइल्यूशन है 10% इन बेंजाइल बेंजोएट और इसकी जो ओडोर की डिस्क्रिप्शन है ये है स्पार्कलिंग इफेक्ट ऑफ फ्रेश जिंजर स्लाइटली सिट्रल एंड ग्रीन विथ एन अर्थी अंडरटोन। तो इसमें आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्पाइसी एक झटका देने वाली एक फीलिंग मिलता है, थोड़ा सा सिट्रल टाइप का अर्थात जो सिट्रस ग्रुप के जो खुशबुएं है उसके साथ वो सिमिलरिटी भी रखता है, एक ग्रीनिश एक नोट भी है इसमें और एक आर्थी अंडरटोन है। तो जिंजर रूट एसेंशियल ऑयल की मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे क्यों नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझिए।
आप ऊपर में देखेंगे तो ओकमॉस रेजिन का भी आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, जो चीज़ें नेचुरल ऑरिजिन से हमें मिलता है, चाहे वो एसेंशियल ऑयल हो या फिर रेजिनॉइड हो या फिर एब्सोल्यूट ऑयल हो, ये ऑयल अपने आप में एक कंप्लीट प्रोफाइल है। अर्थात इन चीज़ों के अंदर बहुत सारे नेचुरल मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रेजेंट है। अर्थात इन जिंजर एसेंशियल ऑयल या फिर ओकमॉस रेजिन, इनको भी लेके अगर हम फर्दर टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर जो नेचुरल केमिकल है उनके डायमेंशन हमें मिलेंगे। तो अगर उन केमिकल्स को हम एक एक करके देखेंगे तो दे हैव डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव देयर डेफिनेटिव पर्पस। अर्थात जो मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ जुड़ने के बाद ही ये जिंजर रूट एसेंशियल ऑयल की खुशबू हमें मिलता है। पर जिंजर रूट एसेंशियल ऑयल अपने आप में एक कंप्लीट प्रोफाइल है। तो जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मिक्स हैं, फ्यूज्ड है, उन चीज़ों का हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के ही बन रहे हैं। तो इसीलिए नेचुरल चीज़ों की मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे हमें सिर्फ देखना है उसकी ओडोर स्ट्रेंथ और उसकी डाइल्यूशन, ठीक है। तो जिंजर के बाद टॉप नोट का दूसरा जो मटेरियल था वो है सिट्रल। देखिए ये दूसरे पेज में है, एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन थोड़ा स्कैटर्ड है। तो ये होता है सिट्रल। सिट्रल की मॉलिक्यूलर वेट है 152। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे हमें मिल रहा है, अर्थात मिडिल नोट में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर 170 के ऊपर से ही शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 150 से लेके 167-8 तक अराउंड जो चीज़ें हैं उसके साथ कुछ एसेंशियल ऑयल्स को हम टॉप नोट पे डाल रहे हैं। तो सिट्रल जो है ये यहाँ पे टॉप नोट का काम करता है। मॉलिक्यूलर वेट है इसकी 152। फॉर्मूला है C10H16O और ओडो स्ट्रेंथ इसकी मीडियम है। डाइल्यूशन 10% किया गया है DPG में। ओडोर की जो डिस्क्रिप्शन है ये है इंटेंसिव फ्रेश लेमन लाइक। अर्थात इसमें एक बहुत ही इंटेंस, एक आप कह सकते हैं कि तेज, एक जोरदार खुशबू मिलता है लेमन की। फिर आता है कुमारिन। ये देखिए दोस्तों, कुमारिन की डिटेल यहां पे है। कुमारिन की मॉलिक्यूलर वेट है 146। बहुत ही हल्का मॉलिक्यूल है बाकियों की रिस्पेक्ट में। अर्थात ये हल्का या फिर भारी जो चीज़ें हैं इनको तो रिलेटिव तौर में देखा जाता है, बाकी चीज़ें जो है उनकी मॉलिक्यूलर वेट क्या है उसके हिसाब से देखा जाता है कि ये मॉलिक्यूल हल्के है या भारी है। तो उस हिसाब से इस एंटायर कंपोजिशन में सबसे हल्का मॉलिक्यूल हमें कुमारिन का मिल रहा है 146। तो ये भी टॉप नोट पे आएगा। इसकी फॉर्मूला है C9H6O2 और इसकी ओडो स्ट्रेंथ है मीडियम। डाइल्यूशन है 10% इन DPG। ओडो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है स्वीट, स्टिंगिंग, चुभने वाला, एक कोकोनट टाइप की नोट, एक टोनका बीन्स की नोट। तो कुमारिन की जो बॉटल है उसको मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है दोस्तों, मैं जब काम करता हूँ तो हर एक चीज़ को बहुत ही आर्टिकुलेशन के साथ मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं आपसे भी आशा करूँगा कि आप इस तरह की चीज़ों को डिटेल में लिख के फिर उसका एक लेबल करके अपने बॉटल पे उसको चिपका के आप काम कीजिए, इसमें आपको सुविधा होगा। कुमारिन की मॉलिक्यूलर वेट देखिए 146, डाइल्यूशन 10% इन DPG, स्वीट टोन का कोकोनट। तो इस बॉटल को मैं जब भी देखूंगा और इसके आसपास के जो भी जो चीज़ें हैं जो मैंने मॉलिक्यूलर वेट के तौर पे अलग अलग करके रखे हैं, तो इन्हें देख के ही मैं समझ जाता हूँ कि इसको मैं टॉप नोट में लेने वाला हूँ, उसको मैं मिडिल नोट पे लेने वाला हूँ। तो ये जो रिस्पेक्टिव हिसाब है ये इन बॉटल्स को देख के ही माइंड में मैं सेट कर लेता हूँ ज़्यादातर क्षेत्रों में। तो ठीक है, यह है कुमारिन। फिर आता है इस टॉप नोट की लास्ट मटेरियल जो है लिनालोल। देखिए ये है लिनालोल। इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 154.25। फॉर्मूला है C10H18O। ओडो स्ट्रेंथ है मीडियम। डाइल्यूशन इसकी ज़रूरत नहीं है। ओडो डिस्क्रिप्शन में हमें मिलता है एक सिट्रस, फ्लोरल, स्वीट, बॉयज डे रोज टाइप की एक खुशबू, एक हल्का सा वूडी, एक ग्रीन खुशबू भी आप कह सकते हैं।
तो लिनालूल एक बहुत ही यूज़फुल ओएल अर्थात अल्कोहल कैटेगरी की केमिकल है। एक तरह से आप इसे सॉल्वेंट भी कह सकते हैं दूसरे भाषा में, अर्थात डीपीजी डीपी वो वाला सॉल्वेंट नहीं, ये परफ्यूम की जो कंसनट्रेट है उस कंसनट्रेट के अंदर एज ए सॉल्वेंट की काम करता है। तो ये जो लिनालूल है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ास तौर पे एक स्वीट हल्का सा एक रोजी एक ऊडी एरोमा की बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, जो टॉप नोट पे बाकी चीज़ों के साथ फ्यूज़ हो जाएगा अर्थात उन चीज़ों के साथ ये सही से बैठ जाएगा। तो दोस्तों मिडिल नोट की कैटेगरी में सबसे पहले आता है हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल। अब गूगल में जब आप हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल लिख के सर्च करेंगे तो कभी कभार आपको हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल अर्थात अंत में जिसकी ए एल है वो वाली केमिकल की भी रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आप जान के रखिए कि अगर हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल होता है अंत में ए एल लिखा गया होता है तो वो एक एल्डिहाइड है, और इसके अंत में ओ एल लिखा गया है तो ये अल्कोहल है। इसकी मॉलिक्यूलर वेट आती है 174.28। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C10H22O2। ओडो स्ट्रेंथ इसकी लो है, डाइल्यूशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, और ओडो डिस्क्रिप्शन जो है ये माइल्ड क्लीन फ्लोरल एक नोट देता है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग नोट है, गुलाब के साथ इस नोट की आप काफ़ी हद तक सिमिलरिटी ढूंढ सकते हैं। निरोल की जो नोट है उसके साथ भी इसकी काफ़ी सिमिलरिटी है, पर हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल में एक बहुत ही खास बात यह है कि ये बहुत ही क्लीन स्वीटनेस आपको देता है, एक क्लीन स्वीटनेस जहाँ पे चीनी वाली कोई फैक्टर नहीं है, मतलब चीनी के जैसा ये स्वीट नहीं है, ये एक बहुत ही क्लीन हल्का सा एक रोजी स्वीटनेस आपको देता है बट नॉट ओवर स्वीट। मैं अपने बहुत सारे कंपोजिशन में हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल को इस्तेमाल करता हूँ एंड इट्स अ जेम मटीरियल। उसके बाद आता है अल्फा आयनॉन। तो आयनॉन कैटेगरीज में दोस्तों जो चीज़ें आपको मिलता है वो सारी चीज़ें स्वीटनेस के लिए जाने जाते हैं, तो अल्फा आयनॉन भी यहाँ पे स्वीटनेस के लिए एक खास रोल प्ले कर रहा है। तो इस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेट है 192.30, फॉर्मूला है C13H20O, ओडो स्ट्रेंथ इसकी मीडियम है, पर इसे हमें डाइल्यूशन में इस्तेमाल करना है, 10% डाइल्यूशन इन DPG डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ओडो डिस्क्रिप्शन है स्वीट ऊडी फ्लोरल वायलेट ऑरिस ट्रॉपिकल फ्रूटी। ये एक टिपिकल स्वीटनेस प्रोवाइड करता है जो एक लाइन में बोल के समझाना मुश्किल है, इसीलिए बहुत सारे रेफरेंस यहाँ पे लिखे गए हैं, पर मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप इस मटेरियल को खरीद के सूंघ के देखिए। इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब अल्फा आयनॉन एंड ऑल्सो द बीटा आयनॉन। तो ये हमारे मिडिल नोट में इस्तेमाल होने वाला है। मॉलिक्यूलर वेट्स को थोड़ा गौर कीजिए। हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल जिसको हमने पहले पढ़ा था वो था 174। मिडिल नोट चालू हो गया है दोस्तों, तो भारी चीज़ें हम जोड़ रहे हैं। 174, उसके बाद अल्फा आयनॉन जो है ये है 192। अब इसके आगे हम इस्तेमाल करेंगे यूजेनॉल। ये भी मिडिल नोट में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल और अल्फा आयनॉन से भी हल्का चीज़ है ये यूजेनॉल, 164 का है, पर ये मिडिल नोट में ही हमारे कंसिडरेशन में आएगा, और मिडिल नोट की आप कह सकते हैं कि सबसे लाइटेस्ट मॉलिक्यूल ये वाला है। तो यूजेनॉल भी एक ऑयल है, इसे हम क्लोप की अल्कोहल एक तरह से कह सकते हैं, यूजीनिया से ये नाम आया यूजेनॉल अर्थात जो क्लोप है उसकी लैटिन नाम आता है ऐसे यूजीनिया, तो वहाँ से ये यूजेनॉल जो टर्म है ये डिराइव्ड हुआ। तो फॉर्मूला है इसका C10H12O2, ओडो स्ट्रेंथ है मीडियम, डाइल्यूशन है 10% इन DPG, और ओडो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है स्वीट स्पाइसी क्लोप की खुशबू, एक ऊडी फेनोलिक सा नोट, पर मेनली इसे आप क्लोप की अल्कोहल मान के चलिए, जिसे डालने से बिल्कुल क्लोप की इफेक्ट आएगी, और क्लोप की जो झांस है उसकी जो एक ताकत है वो हमें यूजेनॉल में दिखती है। तो दोस्तों मिडिल नोट के चीज़ें कंप्लीट हो गए, अभी हम आते हैं बेस नोट के चीज़ों पे।
तो बेस नोट पे हम सबसे पहले लेते हैं बेंजाइल बेंजोएट को, जो मॉलिक्यूलर वेट के तौर पे है 212.24। फॉर्मूला है C14H12O2। ओडो स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी लो है, डाइल्यूशन इसकी ज़रूरत नहीं है। ओडो डिस्क्रिप्शन है स्वीट बल्समिक धुएं जैसा फ्लोरल विथ फ्रूटी न्यूएंसेस। तो बेंजाइल बेंजोएट को खास तौर पे परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है भारी चीज़ों को डाइल्यूट करने के लिए, जैसे रेजिनॉइड्स या फिर जो एरोमा क्रिस्टल्स होते हैं जो बाकी सारे सॉल्यूशंस में जैसे DPG DEP में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होना चाहते हैं, उन्हें आप बेंजाइल बेंजोएट में अगर डाइल्यूट करें तो बहुत ही आसानी से ये डाइल्यूट कर देता है। तो इसके लिए ये काफ़ी मात्रा में जाना जाता है। पर याद रखिए, ये भी एक फ्रेग्रेंट मटेरियल है, अर्थात इसकी भी एक खुशबू है। और जो भी चीज़ें, जो भी मॉलिक्यूल खुशबूदार हैं, जिन चीज़ों में खुशबू होती है, उन्हें हम फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम की नोट्स में, परफ्यूम की जो एकॉर्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं, उस एकॉर्ड में ये कुछ ना कुछ जगह अपना ढूंढ लेता है। तो बेंजाइल बेंजोएट यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के हिसाब से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एक मेन एजेंट के हिसाब से, जो हमारे बेस नोट की एक प्रोफाइल है। तो बेंजाइल बेंजोएट के बाद आता है फर्नेसॉल। देखिए दोस्तों, फर्नेसॉल की मॉलिक्यूलर वेट है 222.37। फॉर्मूला है C15H26O। ओडो स्ट्रेंथ है इसकी लो, डाइल्यूशन इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ओडो डिस्क्रिप्शन काफ़ी यूनिक है, एनिस अर्थात सौफ की खुशबू यहाँ पे मिलता है, एप्रिकॉट की एक हल्की सी खुशबू है, थोड़ा सा बल्समिक टाइप का है, एक क्लोब जैसा भी फील है, पर यूजिनॉल जैसा उतना खास क्लोब में ये नहीं जाता, थोड़ा ग्रेप फ्रूट जैसा एक ऑयली ऑरेंज वाला फील। तो ये एक तरह की आप मिक्स्ड खुशबू कह सकते हैं फर्नेसॉल को। ये ऑयल है अर्थात अल्कोहल की कैटेगरीज में आता है, और ये हम यहाँ पे बेस नोट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ द लास्ट मटेरियल इन बेस नोट, ओक मॉस रेजिन। देखिए, ओक मॉस रेजिन की ओडो स्ट्रेंथ है मीडियम, डाइल्यूशन है 50% इन बेंजाइल बेंजोएट, ओडो डिस्क्रिप्शन है आर्ती मॉसी रिच लेदर पाउडरी टेनाशियस लेदर। तो ओक मॉस की खुशबू में एक बहुत ही क्लासी नेचर की एक मॉजी फीलिंग आपको मिलता है, हल्का सा एक लेदरी नोट भी छोड़ता है, बहुत ही प्यारा एरोमा है। बहुत सारे फ्रेंच परफ्यूम में ओक मॉस इस्तेमाल होता है, एब्सोल्यूट ऑयल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, पर मैं रेजिन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका भी एक खास रीज़न है, लोग कहते हैं कि फाइन फ्रेग्रेंसेस में रेजिनॉइड्स को बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, वो सेडिमेंट्स छोड़ते हैं, ये होता है वो होता है, पर हर जगह पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। और अगर डाइल्यूशन सही रहे बेंजाइल बेंजोएट में तो ऐसी बात आती नहीं है, तो वो भी आपको दिखाना है। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज़ ओक मॉस रेजिन, और इसको मैंने काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस में इससे पहले भी इस्तेमाल किया है। तो चलिए अभी इन चीज़ों को हम एक साथ कर लेते हैं और मेकिंग चालू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक 10 ग्राम की रॉ फ्रैग्रेंस कंसंट्रेट हम बनाने जा रहे हैं, फ्रैग्रेंस 122 का। और यहाँ पे टॉप नोट की चीज़ें हम 4 ग्राम तक रखेंगे, 3 ग्राम तक रहेगा मिडिल नोट और 3 ग्राम रहेगा बेस नोट की चीज़ें। तो इन चीज़ों को इसी रेंज के अंदर हमने एडजस्ट कर लिया है। टॉप नोट में हम डाल रहे हैं जिंजर रूट ऑयल 0.30 ग्राम, सिट्रल 10% 2 ग्राम, कुमरिन 10% 0.70 ग्राम, लीनालॉल 1 ग्राम, मिडिल नोट पे हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलॉल 1.50 ग्राम, अल्फा आयरॉन 10% 0.40 ग्राम, यूजिनॉल 10% 0.60 ग्राम, बेंजाइल बेंजोएट 0.70 ग्राम, फर्नेसॉल 2 ग्राम, ओक मॉस 0.30 ग्राम। तो इन सारे वैल्यूज़ को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 9.5 ग्राम। तो क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम के हिसाब में 9.5 ग्राम हमने क्यों बनाया। जो 0.50 ग्राम हमने छोड़ के रखा है, उसका रीज़न ये है कि इस बैलेंस में भी अगर बाद में कुछ एडजस्टमेंट हमें लगे फाइनल स्टेज में,
तो वो 0.50 ग्राम की जो रेंज है वहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, किसी भी केमिकल को अगर ज़्यादा करना है या फिर ऑयल को ज़्यादा करना है तो। दैट्स वाई वो थोड़ा सा हिस्सा हमने छोड़ के रखा है। तो अभी इसकी मेकिंग चालू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परफ्यूम मेकिंग। पहले इस वेइंग मशीन को ऑन कर लेते हैं। अभी इस पे हम ये बीकर को डाल रहे हैं। जो वैल्यूज यहाँ पे दिख रहा है 51.12, ये इसकी वेट है, इसे हम टेयर कर देते हैं। तो पहले हम बेस नोट की चीज़ों को डालेंगे। देखिए पहले बेस नोट की चीज़ें, फिर मिडिल नोट की चीज़ें, उसके बाद टॉप नोट की चीज़ें। तो बेस में सबसे पहले आता है ओकमॉस 0.30 ग्राम। ये है मेरा ओकमॉस का बॉटल। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 0.30। थोड़ा ज़्यादा हो गया 0.35 जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि वीडियो भी दोस्तों जल्दी ही ख़त्म करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो लोग आजकल देखते नहीं हैं। तो थोड़ा अगर बैलेंस का इधर उधर हो गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर पर्सनली ये मैं कहूँगा कि इन काम को लेके आप जब भी बैठे तब बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और पेशेंस लेके आप कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। एक ड्रॉप यहाँ से वहाँ हो गया तो परफ्यूम कुछ और बन जाएगा। तो नेक्स्ट मटेरियल है फर्नेसॉल 2 ग्राम। इसको टेयर कर लेते हैं। अब आते हैं फर्नेसॉल पे। फर्नेसॉल हम डालने वाले हैं 2 ग्राम। एक ग्राम हो गया ऑलमोस्ट। दो ग्राम 2.01। अब आएगा बेंजाइल बेंजोएट 0.70। टेयर कर लेते हैं इसको। बेंजाइल बेंजोएट की बॉटल को देख लीजिए। बेंजाइल बेंजोएट हम डालेंगे 0.70। हो गया, बेस का काम खत्म दोस्तों। अभी हम जाएंगे मिडिल नोट पे। सबसे पहले डालेंगे यूजिनॉल 10%। इसे हम इस्तेमाल करेंगे 0.60। थोड़ा ज्यादा आ गया दोस्तों, ये भी 0.64, फिर भी चलेगा। अल्फा एनॉन 10% 0.40। ये भी थोड़ा ज्यादा आ गया, 0.48 हो गया। धीरे धीरे करना पड़ेगा दोस्तों। अभी हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलॉल 1.50। देखिए इसकी बॉटल को, ये 1.56 आया।
हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलॉल 1.56 आया है, चल जाएगा। अब टॉप नोट के चीज़ों में हम आएंगे, टेयर कर लेते हैं इसे। पहला आता है लिनालोल 1 ग्राम, ये है लिनालोल, इसे हम डालेंगे 1 ग्राम। बस ये बिल्कुल 1 ग्राम में ही आया है। अब कुमारिन 10% सॉल्यूशन का हम डालेंगे 0.70। ये है कुमारिन 10% की सॉल्यूशन, जिसकी हम डालेंगे 0.70। ये हो गया कुमारिन 0.70। अब आएगा सिट्राल, सिट्राल हम डाल रहे हैं 2 ग्राम, 10% वाला सिट्राल 2 ग्राम जा रहा है। थोड़ा ज्यादा हो गया 2 ग्राम से, 2.20 हो गया जल्दबाजी के चक्कर में। लास्ट में आता है जिंजर रूट ऑयल, जो है 0.30। ये है जिंजर रूट ऑयल, ये हम डालेंगे 0.30। इसके हिसाब ठीक ठाक थोड़ा सा है, 0.34 हो गया, चलिए चल जाएगा इससे। तो अभी आप जिस तरह से सॉल्यूशन को देख रहे हैं ना, ये कुछ धुंधला सा है, मिक्स नहीं हुआ ऐसा लग रहा है दोस्तों। इसको जब भी हम मिक्स करना चालू करेंगे ये मिक्स हो जाएगा, कुछ भी इश्यूज नहीं रहेगा। अभी देखिए तो दोस्तों बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक सॉल्यूशन में ये बदल गया है। अभी आप अच्छी तरह से गौर कीजिए इसे, मैं कैमरा को थोड़ा फोकस करता हूँ इस पे। देखिए बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट एक सॉल्यूशन हो गया है, हल्का सा एक ग्रीनिश एक नोट है जो ओकमॉस की लिए है। अब इसे हमें अच्छी तरह से शेक करना है, और अच्छी तरह से ये शेक होने के बाद जब हम इसको अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे ये हमारा परफ्यूम बन जाएगा, स्प्रे परफ्यूम। तो ये अभी बॉटल में जो आप देख रहे हैं ये है फाइन फ्रेग्रेंस 122, मेरा 122 नंबर की फॉर्मूला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ इस वीडियो पे। बना के देखिए घर में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ्रेंच परफ्यूम्स में, महंगे परफ्यूम्स, कोई ये आपका 400-500 रुपए वाला नहीं, 4000-5000 रुपए की परफ्यूम में आपको जो फील मिलती है वो फील आपको इस मटेरियल पे मिलेगा, इस फ्रेग्रेंस में आपको मिलेगा। इसकी डिफ्यूशन लॉन्गजेविटी दोनों फैक्टर ही काफ़ी अच्छे हैं, और नोट्स तो बहुत ही बेहतरीन है। मेंस फ्रेग्रेंस के तौर में ये बहुत ही क्लासिक टाइप की अरोमा देता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा फाइन फ्रेग्रेंस 122 की कंपोजिशन, इसको हम कैसे बना सकते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट को देख के कैटेगराइज करके कैसे चीज़ों को हमने समाप्त किया है वो भी आपने यहाँ पे गौर किया है। पहले हल्के मॉलिक्यूल वाले जो चीज़ें हैं इनको हमने टॉप नोट पे रखा है, उसके साथ एक एसेंशियल ऑयल रखा है, जिंजर एसेंशियल ऑयल। फिर जो मिडिल नोट है वहाँ पे हमने एरोमा केमिकल्स को रखा है, जहाँ पे ऑयल है और दूसरे टाइप के भी जो चीज़ें हैं आयनॉन्स है। तो यहाँ पे जो हम मॉलिक्यूलर वेट को सिलेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों को लेते हैं वो टॉप नोट से थोड़ा सा भारी है और बेस नोट से थोड़ा सा हल्का है, और बेस में जो चीज़ें आपको मिल रहा है वहाँ पे डायरेक्टली एक रेजिनॉइड है ओकमॉस,
उसके साथ बेंजाइल बेंजोएट है, फर्नेसोल है, ये सारे भारी भारी चीज़ें हैं। फर्नेसोल वहाँ पे मेन अल्कोहल का काम कर रहा है और बेंजाइल बेंजोएट भी वहाँ पे है जो एक बेसिकली तौर पे देखा जाए तो सॉल्वेंट के तौर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, पर यहाँ पे मेन फ्रेग्रेंस में भी हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो कम्बिनेशन है इसको अभी मैं बॉटल में डाल के अल्कोहल के साथ कंबाइन करके आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं इसकी जो रेट है, जो खर्चा है, वो आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए इसको, इस टोटल 9.5 ग्राम की जो कंपोजिशन है इसकी हमें कीमत आया सिर्फ 13.61, अर्थात 13 रुपये, या फिर आप 14 रुपये ही मान के चलिए। तो अगर 9.5 ग्राम हम 14 रुपये में बना सकते हैं तो 18 ग्राम की कीमत क्या होगी? 28, लगभग 30, 32 अगर थोड़ा प्राइस इधर उधर हो तो आप समझ लीजिए कि 32 रुपए के आसपास में आपको 18 ग्राम की एक कंसंट्रेट मिल जाएगा जो 100 ml की जो बॉटल होती है उस बॉटल में जाने वाली है, अर्थात 15 से लेके 25 के आसपास जो हिसाब होती है कंसंट्रेट की, उसी हिसाब में हम जो EDT EDP है उनके कंसंट्रेशन में हम डालते हैं फ्रेग्रेंस ऑयल। तो यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस ऑयल हमें बना है तो ये फ्रेग्रेंस ऑयल आ रहा है कुछ 32 रुपीज़ के आसपास। मैं थोड़ा बड़ा चारा के ही इस कीमत को पकड़ रहा हूँ जिसमें आपका फाइन फ्रेग्रेंस की कंसंट्रेट बन रहा है जो 100 ml की बॉटल में जाएगी। 100 ml की बॉटल में आपने 80 ml के आसपास इथेनॉल को रखा, बाकी जो 18 ml मतलब टोटल 20 ml होता है उसमें से 18 ml आपने ये कंसंट्रेट को रखा, फ्रेग्रेंस कंसंट्रेट, और 2 ml की जो जगह है वहाँ पे आपने पानी या फिर और भी जो चीज़ें हैं जो डाले जाते हैं, स्टेबलाइजर जो होते हैं, वो सब चीज़ों को थोड़ा बहुत आपने डाल दिया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अल्कोहल की कीमत क्या है, 1 kg या फिर 1 लीटर अल्कोहल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा इथाइल अल्कोहल की अभी 170 रुपये से लेके आई थिंक 200-250 तक कीमत जा रहा है। तो अल्कोहल की कीमत क्या होगी दोस्तों यहाँ पे? वो कुछ मतलब हिसाब में ही नहीं आता, बहुत ही कम कीमत है। बाकी जो ये आपके बनाए गए फ्रेग्रेंस कंसंट्रेट है ये अगर आप खुद डिज़ाइन कर लेते हैं तो ये आपको इतना सस्ता पड़ता है। तो ऑलमोस्ट एक क्लासी फ्रेंच परफ्यूम आप बना सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। और ये अपना फॉर्मूलेशन है, अर्थात ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, ये कोई डेविड ऑफ कूल वाटर की कॉपी, इसकी कॉपी, उसकी कॉपी नहीं है। कैसे मैंने डिज़ाइन किया है, कैसे मैंने इन चीज़ों को सिलेक्ट किया, कौन से अरोमा केमिकल को मैंने सिलेक्ट किया, वो अगर जानना है तो मेरे क्लास में ज्वाइन करना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं सिर्फ ये एक दो वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं चर्चा करने के लिए, आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 क्लासेस मैं ऑफ़र करता हूँ 5,000 रुपये में लेता हूँ। हर हफ्ते 2 क्लासेस हम लेते हैं, उन क्लासेस में आपको वीडियोस दिए जाते हैं, PDF नोट्स डाले जाते हैं और 1:1 इंटरेक्शन होता है। मैं डायरेक्टली फ़ोन कॉल में बात करता हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि ग्रुप में 10 लोगों को लेके मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। 1 by 1 मैं आपको कॉल करके आधा घंटे के आसपास, हाफ एन आवर आपसे बात करूंगा, आपकी जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉपी वाले फ्रेग्रेंस होते हैं, क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, हर कोई यूट्यूब में इनके फॉर्मूला लेके घूम रहा है, कोई कोई फॉर्मूला को डिपिक्ट करके दिखा भी रहा है। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, ओरिजिनल कंपनी ने तो कभी नहीं छोड़े इन फॉर्मूलाज को, तो इन लोगों को कैसे मिला, किस तरह से इन फॉर्मूलाज को डिज़ाइन किया जाता है, सब कुछ आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है दोस्तों। इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर में आप शेयर कीजिए आपके हर एक दोस्त के साथ जो परफ्यूम मेकिंग में इंटरेस्टेड है, और चैनल को सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में दोस्तों नज़र रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।